ये रास्ता इधर से जाएगा जी, आए मेरे साथ कैमरामैन साहब, ये कनेक्टिंग है जी सारा, क्योंकि इधर वॉशरूम है और इतने लोगों का वॉशरूम है ये, और यहाँ भी कुछ दोस्त हमारे बैठे हैं जिनसे हम लाजमी तौर पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? शहर खरीद है, सेहत कैसी आपकी? ठीक है सर। मामला कैसे चल रहे हैं? ठीक है। हजरत साहब, बेटा आपका क्या नाम है? तो कितनी देर से नशा करते हैं? मुझे हो गए थे 5 साल हो गए थे। इधर आ जाए, ठीक मेरे आ जाए। 5 साल से कर रहे हैं जी। अब क्या हालात हैं? अब ठीक हैं। कोई बेहतरी की तरफ गई बात? हाँ जी। कितनी बेहतरी हुई है? अच्छी हुई है, साफ सुथरा हो गया, जरा सुकून हो गया। तो नशे पे किसने लगाया था आपको? बस वो गैदरिंग मेरी ऐसी थी। तो कौन दोस्त थे? वो मेरे मोहल्ले के दोस्त थे, तो उनके साथ हो गए। अभी वो नशा करते हैं? नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। कैसे छोड़ा उन्होंने? उन्होंने भी इलाज करवाया था। तो आप भी छोड़ना चाह रहे हैं? आप पढ़े हैं? पढ़ा आपने? नहीं, मैंने पढ़ा था, फिर आपको पता है नशा करके फिर वो दिमाग बंद हो जाता है, ऐसे छोड़ दिया फिर। हाँ जी। अब नहीं स्कूल आप जाते? नहीं। कितना पढ़ा आपने? मैंने 5 पढ़ा था। 5 तक पढ़ा? हाँ जी। तो कब से घर वाले इधर छोड़ के गए आप? आज भी ये हो गए 14-15 दिन हो गए। 15 दिन से? हाँ जी। इधर ही आप? हाँ जी। तो 15 दिन में आपको तो आप सिगरेट वगैरह कोई चीज़ इधर मुयसर तो नहीं होगी? नहीं जी, नहीं मिलती इधर तो, क्योंकि माहौल इस तरह का नहीं मिली होगी। है बिल्कुल। तो क्या खाने में क्या क्या देते हैं आपको? खाने में सब्जी, दाल, गोश्त, रोटी, हर चीज़ मिलती है। कोई मसला प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम ठीक चल रहा है मामला जी। और आप क्या समझते हैं कि कितनी देर लग जाएगी? आए काजमी साहब, सजाद काजमी साहब भी इनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। काजमी साहब क्या पूछेंगे आप? बेटा आपको एड्स है? नहीं जी। टेस्ट करवाए अपने सारे आपने? टेस्ट अभी मैंने कोई नहीं करवाए, जाके मैंने करवाने। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेडिसिन भी मिल रही है? हाँ जी, मेडिसिन इधर मिल रही है सर। मुझे मिली मेडिसिन, मिली है मेडिसिन। हाँ जी। आप सबको कुछ ना कुछ है, बीमारी है? स्क्रीनिंग की है ना आपकी? सारे सबने स्क्रीनिंग नहीं हुई ना? की नहीं हुई। मैं आपको बताता हूँ, मेरी डोज मैडम कह रही थी मैंने कमरे से लैदा किया है, जिनको कोई मसला है वो लैदा है। वो कौन से हैं? वो यही हैं। तो ये लैदा क्या हुई? इकट्ठे हैं ये? तो ये कह रहे हैं हमारी स्क्रीनिंग नहीं हुई। नहीं इकट्ठे हैं ना? एड्स वाले कौन से बीच में? जोन्स है वो जोन्स है कि हमें अच्छी डोज मिल रही है यहाँ पे जोन्स है। हम ग्रेड है यहाँ पे जोन्स है, हमारी अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है जोन्स की। ये देखें, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ अपना खाना। आप मैडम वैडम से ना डरें? नहीं नहीं नहीं, आप इसमें इंजेक्शन की वजह से डेथ हो जाती है उनकी। ये दारा उनके लिए बेहतर है सर, जोन सा उनकी लाइफ सेफ हो जाती है जोन सी है। आप बिलीव करें, ये इधर से ले जाएं गवर्नमेंट के दाखिल कराते हैं तो फिर सही है। ये ठीक है। देखिए सर, ये लंच मिला हुआ है हमें जोन से, इसके अलावा घर से भी आ रहा है। यहाँ से भी हमें 5 रोटियाँ मिलती हैं, दोपहर को 3 मिलती हैं और रात को 1 रोटी 2 रोटियाँ मिलती हैं। उसके अलावा हमें वो ऑयल मिलता है। छोटे से कमरे में 8 बंदे कैसे रह रहे हैं आप, पहले ये बताएं? एक छोटे से कमरे में 8 बंदे कैसे रह रहे हैं? अच्छा सही सही, किसको कौन सी बीमारी है आपको? हेपेटाइटिस है आपको? क्या कोर्स किया है हेपेटाइटिस सी का? अब मेरे को कुछ नहीं है, मैंने इलाज कराया है, मुझे सी का था। आपको जी? मेरा कोई बीमारी से ताल्लुक नहीं है, बल्कि कुछ हमारा घरेलू टेंशन हुई थी, उससे मेरे भाई जो है उनको ये शक हुआ था कि शायद मेंटली मैं कुछ अनफिट हो गया हूँ। मेंटली है नहीं, उन्हें कुछ शक हुआ था, उसकी वजह से वो मुझे इधर दाखिल करा गए। आप सिगरेट नहीं पीते? तो आप सारे सिगरेट पीते हैं ना? पीते थे। तो मेंटल और एडिक्शन का पेशेंट जो है, एडिक्शन का, ये इकट्ठे किए हुए हैं मैडम ने, ये हैरान कन बात है। अगर आप नशा नहीं करते तो आपको इनके साथ क्यों इन्होंने इधर? इस बारे में मैं तो नहीं बता सकता कि क्यों रखा है। बहरहाल मेरा वैसे भी, आप डॉक्टर हैं क्या? अपना बता दें मुझे पहले, ताकि मैं डॉक्टर होते तो फिर मैं उस हिसाब से बात करता। ये डॉक्टर ही है? डॉक्टर ही है? मेंटली मुझे कुछ नहीं है, पूरे डॉक्टर हैं ये? बिल्कुल ठीक है, आप कोई भी मेरे से बात करके देख लें। हेल्थ के मैं SOPs की बात कर रहा हूँ कि जो मेंटल का पेशेंट है वो एडिक्शन के साथ नहीं होता। आपको ये क्या है जी? नहीं सिगरेट कहाँ से आया बीच? सिगरेट कहाँ से आया? मिलता है रात को सिगरेट? एक सिगरेट देते? तीन। ये सिगरेट क्यों देते हैं? बताएंगे बाद में, मारेंगे सर वो, इसलिए देते हैं। और क्या क्या आप खुल के बताएं यार, पुलिस साथ लेके आए हैं, जो जो मसले हैं बातें बताएं, झूठ क्यों बोल रहे हैं उस वक्त के? एक बड़े यार आप चुप करें,
बेटा आप बताओ। खाना नहीं सही मिल रहा, खाना जो आता है वो इतने इतने डकरे होते हैं गाजरों के। कल भी हमने पेट में दर्द होते हैं, तीन टाइम सिगरेट मिलते हैं, ठीक है, तीन टाइम सिगरेट देते हैं। हाँ, और मारते बहुत है और चाइने लगा देते हैं। ये तो सबको बुलाए। अच्छा, जी ये खुद मेड ही अंदर इन्होंने रखे हुए हैं, मुझे बहुत मारा, मेरे एडिक्शन में था तीन दिन में, इन्होंने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि इसने मुझे माँ के गालियाँ भी निकाली। तीन दिन हुए थे भी मुझे दवाई भी नहीं दी। सर आ जाए, इसने मेरे मुंह पे हाथ बंद कर। अच्छा जी, अब बताएं, शुरू से बताएं सारा, कितना मारते हैं? मैं दो दिन हुए थे आए हुए थे, इन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरे ये इधर अभी भी चूकने में दर्द होती है, ठीक है, और एडिक्शन में था, और दो तीन दिन के बाद दवाई दी। दवाई ये इधर था जी, ऊपर करो ये शर्ट, ऊपर करो, निशान चेक करें जरा, कहाँ मारे, चेक कहाँ मारा। अभी काफी 15 दिन हो गए हैं ना, 15 दिन हो गए हैं मारे के। और किसे मारा था आपको? सुनना, इसने मुंह पे मेरे हाथ रख लिया था ऐसे। ये स्टाफ ने मारा आपको? नहीं, ये अंदर। मैडम आप बैठ जाए, अब एक काम करने थे, प्लीज आप नहीं आएंगे। अच्छा, किसने मारा आपको? ये अंदर इन्होंने मेड रखे हुए हैं जो उनको इजाजत देते हैं। इसका ना डिलीरियम चल रहा था, मरीज है ये भी। अच्छा, खाने में क्या देते हैं? खाने में ये जो गाजरे वगैरह होगी, ये डक बना के देते, दाल ना डक। खाना ठीक नहीं? नहीं, खाना नहीं ठीक। कभी आपकी ख्वाहिश होती है बर्गर खाना, कुछ चीज मांगते हैं? जोन सी है वो घर से, जोन से आ जाता है घर से, जैसे इधर क्या देते हैं डिसाइड जो इधर क्या देते हैं? इधर हमें सर दाल मिलती है जोन सी है, उसके अलावा तीन रोटियां मिलती हैं दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम। गोश्त कितने देना है हफ्ते में? गोश्त हमें तीन है, कभी भी नहीं मिला, सिर्फ एक दिन मिला नए साल दिन वाले दिन। मैं 22 तारीख को आया था, 22 तारीख को आया, एडिक्शन का पेशेंट है, एक दिन गोश्त मिला, एक दिन मिला है। तो फिर एडिक्शन का आप देखें ना दादा, इनको मुदाफत की जरूरत होती है। और ये नशा करते थे आप? किसी का नशा करते थे? मैं स्नेक करता था जी। स्नेक जी? व्हाइट पाउडर। अच्छा, आप किसी का नशा करते हैं? सर मैं जैसा चीज पीता था, लेकिन मेरी सेहत जोन सी ना वीक है, जोन सा बिकॉज माई ब्रदर ने मुझे जोन सा ना यहाँ पे एडमिट कराया है, वो चाहते हैं कि मेरी सेहत अच्छी हो, और मैं यहाँ पे हेल्थी भी हुआ हूँ जोन सा, मैंने इम्प्रूवमेंट भी किया है यहाँ पे जोन सा। डॉक्टर साहब ये तीन ये सिगरेट ये देखें इधर अंदर से डस्टबिन मिला है, ये सिगरेट्स का जो इन्हें दी जाती है, नहीं वो देते हैं तीन टाइम देते हैं, तीन टाइम देते हैं सिगरेट, तीन टाइम देते हैं जी सिगरेट आपको प्रोवाइड करते हैं सारे। अच्छा, तो और किस किस को मारा है? कभी मार पड़ी कभी आपको? मारा कभी? मुझे नहीं मारा। आपको मारा कभी? आपको आपको मारा जी कभी? आपको कभी पड़ी कभी? आपको पता है कि आपका कितना पैकेज है महीना, कितना पैसे लेते हैं आपसे? मुझे भाइयों ने बताया नहीं, लेकिन मेरे अंदाजे के अंदर कम अज कम भी 25,000 होगा, क्योंकि जिसे बेड मिलता है उसने 40 है, मैंने पता किया कि जिसके 40 से अबव है जी हर बंदे का। नहीं मैडम 30 तक कह रही है, मैं 40 बता रहा हूँ, इनसे पूछते जाएं, इनको नहीं पता होगा, वो ये बताएंगे नहीं। सही, क्या खुराक मिलती है आपको? इस वजह से खुराक का पता चल जाता है आपका 25 है, तो आपको गोश्त कितनी दफा देते हैं? मुझे नहीं मालूम कि है या नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे अंदाजे के मुताबिक जिसके पास बेड हो उसकी फीस ज़्यादा होती है, जो नीचे लेट रहे हैं उनकी फीस कम होती है, ये बताया। दूसरा सवाल आपका क्या है? गोश्त आपको कितनी दफ़ा मिलता है? कोश में जब से आया हूँ मैंने एक मरतबा मिला है। कितनी देर हो गई आपको आए हुए? मुझे मैं पिछले महीने की 25 को आया था। 25 से लेकर ये तो अच्छा, और वो 22 से आए हैं, उन्होंने भी एक ही दफ़ा खाया, तो सिगरेट तीन दफ़ा मिल जाता है दिन में? सिगरेट मैं नहीं पीता, बाकी लोगों को मिल जाता है, इनको तीन मरतबा ये देते हैं। डॉक्टर साहब रिहेबिलिटेशन सेंटर में ये मॉडल जो है आपके नज़दीक चेक करें, वो मेंटल पेशेंट है, ये एडिक्शन के हैं, तो इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, इन्होंने मेंटल और एडिक्शन को इकट्ठे एक कमरे के अंदर, छोटे कमरे के, ये मेरे ख्याल में 5x5 का कमरा होगा, तो इसमें 8 पेशेंट को उन्होंने जो है। अच्छा, 8 ये 8 वो और वॉशरूम एक। अनहाइजीनिक है कि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन का कोई निज़ाम नहीं है। और डॉक्टर आपको कितनी देर विजिट करता है जी? डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ? डॉक्टर नहीं है इधर, हमारे नफ्सियात सिर्फ चेक करती हैं। नो डॉक्टर, वो कहते हैं हफ्ते बाद आते हैं। डॉक्टर हारिस आते हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं नो आते हैं।
आप जब से आए हैं 22 तक अब तक किसी ने चेक किया आपको डॉक्टर ने? आपको डॉक्टर ने चेक किया जी? सर डॉक्टर ना कुछ भी नहीं हुआ डॉक्टर। मैडम आती है चेक करते हैं, उसके अलावा कोई आता है? मैडम के अलावा कोई नहीं आता? डॉक्टर आया जी? सर को मैं डॉक्टर आया नहीं बोल सका, जैसे डॉक्टर तो नहीं है ना। डॉक्टर साहब जो उनसे खड़े डॉक्टर आए, ये डॉक्टर साहब? हाँ डॉक्टर साहब पास आए, आ जाए आ जाए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आप डॉक्टर है सर, मुझे पता है आप डॉक्टर है। क्या नाम है आपका? मेरे पास प्रूफ ही नहीं है, मैं कैसे कहूँ? हम कह रहे हैं आप डॉक्टर है, मैं एक वर्कर हूँ सर। नहीं नहीं ये डॉक्टर है, ये देख लीजिए। अच्छा सर मुझे ये बताएं, मुझे झूठ बोलने की कोई याद नहीं है। अच्छा जी डॉक्टर चेकअप करने आया, कब से आए आप? मुझे 2 महीने। 2 महीने से डॉक्टर आया चेक करने? डॉक्टर दवाई देते हैं। डॉक्टर आए दवाइयाँ मिलती हैं? दवाइयाँ कौन देता है? दवाइयाँ कहाँ है आपको, डोज मिली है? दवाइयाँ मैडम ही देती है। मैडम दवाइयाँ देती हैं जी, डॉक्टर ही नहीं आप देता है जी। मैं आप ये देख जाता है, पुड़ियाँ देख जाता है? पुड़ियाँ देख रहे हैं पकड़ा देता हूँ। अभी वो इस कमरे में कह रहे थे दवाई वही देते हैं? वही देते हैं क्योंकि मुझे बनी हुई मिलती है। ऊपर नाम लिखा होता है जी? नाम लिखा होता है हर पर्ची पे। इनका नाम क्या है? इनका नाम इमरान है। मैं आप मिक्स तो नहीं कर देते, आप तो पहचानते नहीं है इमरान की दवाई, वो रियाज ना खा ले। पर्ची पे नाम लिखा होता है, बुलाया जाता है, इमरान कौन है? मैं जी। उधर से देते हैं जी पर्ची? यहाँ से देते हैं। वो कहाँ है पर्चियाँ सारी? ये पड़ी हैं। ये क्या है, जंजीरें क्यों लगाई? ये कहाँ से लिया जी जंजीरें? बाहर भी देखें जी, टीम हमारी काम कर रही है, DDHO साहब की बड़ी एक्टिव टीम है बाहर, वो अपना मोर्चा संभाले हुए और वो काम कर रही है। ये बैट के साथ चैने लगा देते हैं। क्यों आप बोलते हैं, मारते हैं, क्या करते हैं जिसकी वजह से आपको बांधते हैं? अब दरवाजे के पास चले गए, इसकी वजह से लगा दी सर। सब पेट्रोल में होते हैं जो उनसे, उसकी वजह से उनको वो वॉशरूम उधर जाना होता है, वो इस तरफ घूम रहे होते हैं, उस तरफ घूम रहे होते हैं। लीडियम चल जाता है ठीक है, प्रॉब्लम होती है कि बाथरूम में चले जाएं ये गिर जाएं ठीक है, कभी कभी इनकी हड्डी टूट जाए तो त्रोड़क मारे हैं तो कंधों में टकरे मारते हैं, इसकी वजह से ना इनकी सेफ्टी के लिए लगा देते हैं हम, इनकी सेफ्टी के लिए। नहीं नहीं स्टाफ लगाता है इनकी सेफ्टी के लिए। इस बार वो चेन हुआ जी भाई। आप क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान कितनी उम्र है आपकी? मेरी 20 साल। तो पढ़ते हैं आप? पढ़ा आपने? नहीं मैंने साल हो गया स्कूल छोड़ा है। नहीं पढ़ते आप हैं? वो चर्च वगैरह पे चर्च भी नहीं शुरू हो गया था ना, तो मामा पापा इधर फिर दाखिल करा गए। अच्छा हाँ जी। तो किसी को मार मूर तो नहीं पड़ती? नहीं मार नहीं पड़ती, बस ये बात जो उनसे भाई ने कही है ना कि पेट्रोल चलता है इनका त्रोड़क होती है, इस वजह से वो चेन वगैरह लगा देते हैं। कैसे हैं जी आप? इनको डॉक्टर कौन चेक करते हैं? इनको इन सारे बच्चों को आपने रखे हुए हैं सारे, कौन से डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर कौन आते हैं? हाँ मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ जी। अच्छा डॉक्टर चाहिए ना इनके लिए? बिल्कुल मेडिकल का शोभा है, साइकोलॉजिस्ट तो चले एक साथ आप एक काउंसलिंग है इमेजिनेटिव मजबूत करने के लिए। नहीं नहीं वो ठीक है, आपकी बात ठीक है। और वो जो भाई हैं वो हैं उसके मेंटल के बाकी सारे एडिक्शन के हैं, तो कैसे आप ट्रीट करते हैं? साइकोलॉजिस्ट तो और टाइप होती है उसका, इससे साइकोलॉजिस्ट तो बता ही सकता है ना, ब्रेन नहीं वॉशिंग कर सकता थोड़ी बहुत। नहीं, 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 ऐसी बात नहीं होती। मेडिकली ने कौन देख रहा है सर? मेडिकली जो है हेल्थ का महकमा देखने आया कि मेडिकली कौन देख रहा है? मेडिकली तौर पे हम लोग कंसल्ट करते हैं डॉक्टर हर्ष बरकी से। ठीक है तो कभी भी नहीं आए पूछे क्या? नहीं वो नहीं आते, उनको तो पुड़िया भेजते हैं वो, या नहीं आते वो, वीडियो कैम पे देख लेते हैं कि मरीज को क्या मसला है वो या नहीं, वीडियो कैम पे नहीं देखते। मैं उन्हें स्काइप पे पता चल जाता उन्हें, मैं उन्हें बताता हूं। इधर आए जरा बेटा इधर आए, एक सेकंड सर मैं सुनता हूं, सर सुनता हूं बात सुन। हां क्या ये बात मारेंगे मुझे? नहीं बेटा आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको मैं गारंटी देता हूं। आप करीब आए करीब आए करीब, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको कोई डॉक्टर कभी देखने आया? नहीं आया। तो सर इसको जब डॉक्टर नहीं देखेगा तो आप प्रिस्क्राइब कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूँ, देखिए पूरी दुनिया में रूल ये है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो डायग्नोस करता है। ठीक है साइकोलॉजिस्ट पे जो मेंटल डिसऑर्डर है या ड्रग एडिक्शन का पेशेंट है, साइकोलॉजिस्ट उसकी कंडीशन जो है वो डायग्नोस करके डॉक्टर को बताता है और उसके मुताबिक डॉक्टर जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है और मुझे मेरा आप ये बात तो जानते होंगे कि एक एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है, एक्सपीरियंस काउंट्स लॉट। ठीक है मेरे अपना 22 ईयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ।
ठीक है। उसके बाद मैं थाउजेंड्स एडिक्ट से मिल चुका हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है या मेरे पास कोई अपना ड्रग एडिक्शन का या साइकेट्री का पेशेंट आता है। डॉक्टर साहब ये ठीक कह रहे हैं कि एक सेकंड मुझे राय लेनी है आपकी ओपिनियन पे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये ठीक कह रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट के साथ इनको इजाजत दें साइकेट्रिस्ट मस्ट चाहिए, लेकिन आपका पेशेंट आपके सामने कह रहा है, जब पेशेंट डिनाई कर रहा है तो आप किस तरह कह सकते हैं? एक मिनट सर, एक मिनट बात करने दें। आपको डॉक्टर साहब कोई चेक करने आते हैं? आपका पेशेंट कह रहा है, जब नहीं आते तो आपका एक्सपीरियंस किस चीज का है? दंदान साज, मेरी सुन लें, दंदान साज बैठा हुआ है, उसकी नस्लें दंदान साज हैं, तो आपको भी वो बना दें हम ट्रीटमेंट के लिए। सर साइकेट्रिस्ट बता दें, साइकेट्रिस्ट कौन आ रहा है? क्यों नहीं आता? तो फिर आप कहते क्यों हैं कि वो किसका नाम ले रहे हैं? आप किनका नाम? हारिस, ये हमारे UNODC के प्रोटोकॉल में आता है, स्मोकिंग जो है वो अलाउड है 3-5 सिगरेट्स ट्रीटमेंट में। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर होना पहले डॉक्टर होना जरूरी है। डॉक्टर जरूरी है, डॉक्टर आ नहीं रहा। डॉक्टर मैं आपको वही तो अर्ज कर रहा हूँ, आप मेरी बात फॉलो करें, ठीक है? हारिस साहब ने विजिट किया इसे अभी? हारिस साहब ने इसे रेगुलर विजिट किया, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद? बिल्कुल नहीं सर, दैट्स ऑल।